हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे द हिंदू बूस्टर सीरीज़ का पार्ट टू। और इस वीडियो क्लास में मैंने एक बहुत ही रिलीवेंट और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक दिया है, और ये टॉपिक सभी बैंकिंग एग्जाम्स के लिए, एसएससी एग्जाम्स के लिए, एमबी एग्जाम्स के लिए और दूसरे सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें मैंने पोस्ट ऑफिस सॉल्यूशंस इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ये एक टॉपिक लिया है, और ये आर्टिकल हिंदू, द हिंदू में पब्लिश हुआ था, उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए, इस द हिंदू बूस्टर सीरीज़ के थ्रू जो सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के एस्पिरेंट्स हैं, उनको किन किन सेक्शंस में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। उनको फ़ायदा होगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस में, वर्बल एबिलिटी में, क्योंकि सारे वर्ड्स में एक्सप्लेन करूँगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में एक्सप्लेन करूँगा। ग्रामर कॉन्सेप्ट्स को समझने में आपको बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा। डिस्क्रिप्टिव जो होता है बैंकिंग एग्जाम्स में और एसएससी एग्जाम्स में, उसको समझने में बहुत फ़ायदा होगा। करेंट अफेयर्स आपके क्लियर होंगे और रीडिंग स्किल्स आपकी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होंगी। तो इस सीरीज़ को आप मान सकते हैं कि एक गागर में सागर की तरह है ये, और एक वीडियो क्लास आपके लिए ये 8 या 10 वीडियो क्लास के बराबर होगा, क्योंकि उसमें वैरायटी ऑफ टॉपिक्स मैं कवर करूँगा। ठीक है, कोई भी स्टूडेंट यदि बैंक पीओ के लिए और बैंक क्लर्क के लिए और एसएससी के लिए यदि प्रिपेयर कर रहे हैं, या किसी दूसरे एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इंग्लिश एडवांटेज चैनल की तरफ से अड्डा 247 की टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है डिस्काउंटेड प्राइस पर। ये कंटेंट पार्टनर प्रोग्राम के तहत ये डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो इसके लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, वहाँ से इनको आप, इन टेस्ट सीरीज़ को आप ले सकते हैं। देखिए, ये एक आर्टिकल है पोस्ट ऑफिस सॉल्यूशंस, और ये द हिंदू में पब्लिश हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये हिंदू की, द हिंदू की ही कटिंग है और ये एडिटोरियल है। ठीक है, तो इसको हम पढ़ते हैं और उसके बाद में सारा चीज़ें बताऊंगा। पोस्ट पेमेंट बैंक क्या है और क्यों इसने, गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है। द न्यू इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक कैन हैसन फाइनेंशियल इंक्लूजन, बट डिटेलिंग इज की। देखिए, एक होता है पोस्ट इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। तो पेमेंट बैंक क्या है? देखिए, पेमेंट बैंक में कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या आरबीआई ने इनको, पेमेंट बैंक को ये लाइसेंस दिया है, वो डिपॉजिट तो कर सकते हैं, लेकिन पर कस्टमर केवल 1 लाख रुपए ही वो डिपॉजिट कर सकते हैं। और इसमें एक रिस्ट्रिक्शन ये भी है कि इसमें कस्टमर का जो डिपॉजिट है, उसको लोन अमाउंट की तरह वो डिस्पर्स नहीं कर सकते। तो ये भी एक इसमें एक रिस्ट्रिक्शन है कि 1 लाख रुपये तक का वो अमाउंट ले सकते हैं और लोन अमाउंट नहीं दे सकते। क्रेडिट कार्ड भी इसमें इशू नहीं कर सकते, लेकिन एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ये सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। तो पेमेंट बैंक का पर्पस क्या है? पेमेंट बैंक का पर्पस ये है, देखिए, बैंकिंग की जितनी भी फैसिलिटीज़ होती हैं, वो दूर दराज के क्षेत्रों में नहीं पहुँच पाती हैं। जो रिमोट एरियाज़ होते हैं, जैसे फार्मर्स होते हैं, छोटे मोटे लेबरर्स होते हैं, मजदूर होते हैं, छोटे किसान होते हैं, उनके पास ये सारी बैंकिंग की फैसिलिटी नहीं मिल पाती हैं। तो इसी को हम बोलते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब है कि बैंकिंग फैसिलिटीज़ को सभी की रीच तक पहुंचाना और उसको अफोर्डेबल बनाना सभी के लिए। जैसे आपने सुना होगा जनधन योजना एक शुरू की थी मोदी गवर्नमेंट ने, तो वो भी फाइनेंशियल इंक्लूजन का ही एक पाथ है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के बैंक अकाउंट्स नहीं थे, तो जो बैंकिंग बैंकिंग फैसिलिटीज़ को वो अवेल नहीं कर पा रहे थे। तो पेमेंट बैंक का पर्पज़ है कि रिमोट एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में, गांव और दूर दराज एरियाज़ में बैंकिंग सर्विसेज को अफोर्डेबल तरीके से सभी के लिए अवेलेबल कराना। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा टॉपिक हो सकता है बैंकिंग और एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए। डिस्क्रिप्टिव जो पार्ट है, उसके लिए एक बहुत अच्छा ये टॉपिक आपके लिए हो सकता है। तो इसके सारे डिटेल्स हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और एक नचिकेत मोर एक व्यक्ति थे, उन्होंने उनकी रिकमेंडेशन पर इस पेमेंट बैंक को शुरू किया गया है। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है, और फाइनेंशियल इंक्लूजन का ये पाथ है, लेकिन इसमें डिटेलिंग इज़ द की, मतलब बहुत डिटेल में सारा डाटा गवर्नमेंट को प्रिपेयर करना पड़ेगा कि कहाँ पर पेमेंट बैंक्स की ज़रूरत है। अब देखिए, इसको पोस्ट पेमेंट बैंक हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन बैंक्स को पोस्ट ऑफिस से कनेक्ट किया जाएगा, क्योंकि छोटे से छोटे गाँव में और दूर दराज के एरियाज़ में भी पोस्ट ऑफिस होते हैं, और वहाँ पर पोस्ट ऑफिस के थ्रू ये बैंकिंग सर्विसेज सभी कस्टमर्स को दी जाएंगी, तो इसलिए इसको बोलते हैं हम पोस्ट पेमेंट बैंक। तो यहाँ से पढ़ते हैं इसको, और ये हिंदू का आर्टिकल है। अमिस्ट सम फैनफेयर, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च द इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB, अ फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर दैट विल ऑपरेट
अंडर द कंट्रीज एज ओल्ड पोस्टल डिपार्टमेंट। पोस्टल डिपार्टमेंट जो है वो काफ़ी पुराना है और 1,55,000 पोस्ट ऑफिस हैं, सारे गांवों में पोस्ट ऑफिस हैं। तो पोस्ट ऑफिस के थ्रू बैंकिंग सर्विसेज को दिया जाना इसका पर्पस है, और फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देना इसका इसका पर्पस है। द गवर्नमेंट ओल्ड पेमेंट बैंक विल बी एबल टू एक्सेप्ट डिपॉजिट ऑफ अप टू ₹1 लाख फ्रॉम कस्टमर। एक कस्टमर से आप 1 लाख रुपए तक डिपॉजिट इसमें करा सकते हैं पेमेंट बैंक के तहत, ठीक है। बट विदाउट द राइट टू यूज दीज फंड्स टू एडवांस रिस्की लोन्स। देखिए, बैंक्स के लिए लोन देना काफ़ी रिस्की रहता है क्योंकि उसको रिकवर करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो इसलिए RBI ने इनको पेमेंट बैंक्स को रिस्ट्रिक्ट किया है कि आप 1 लाख रुपए तक ही कस्टमर से जमा करा सकते हैं और लोन किसी को नहीं दे सकते, क्रेडिट कार्ड आप किसी को नहीं दे सकते पेमेंट बैंक के तहत। लेकिन ATM कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, RTGS, NEFT, ये सारे फैसिलिटीज यू कैन डेफिनेटली प्रोवाइड। तो आपको पता होना चाहिए कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं, पोस्ट पोस्ट पेमेंट बैंक के बेनिफिट्स क्या हैं, मतलब क्या क्या फैसिलिटीज़ ये कस्टमर को दे सकते हैं, क्या क्या फैसिलिटी ये कस्टमर को नहीं दे सकते, क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं। ये सारी चीज़ें आपसे इंटरव्यू के दौरान भी पूछी जा सकती हैं, GDPI में भी ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। द गवर्नमेंट ओन्ड पेमेंट बैंक विल बी एबल टू एक्सेप्ट डिपॉजिट्स ऑफ अप टू ₹1 लाख फ्रॉम कस्टमर्स बट विदाउट द राइट्स टू यूज दीज फंड्स टू एडवांस रिस्की लोन्स, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आपको देखना है। इट हाउ एवर प्लान्स टू ऑफर अ वैरायटी ऑफ अदर फाइनेंशियल सर्विसेज टू पीपल इंक्लूडिंग द होल्डर्स ऑफ पोस्टल सेविंग अकाउंट्स दैट आर वर्थ ओवर 85,000 करोड़। मतलब छोटी जितनी भी सर्विसेज हैं, जैसे ATM कार्ड देना है, डेबिट कार्ड देना है, नेट बैंकिंग करनी है, डिपॉजिट करना है, ये सारा पेमेंट बैंक कर सकता है। लेकिन पेमेंट बैंक 1 लाख से ऊपर का डिपॉजिट नहीं ले सकता, एक अकाउंट में केवल 1 लाख रुपये ही ये ले सकता है, और लोन्स इशू नहीं कर सकता, क्रेडिट कार्ड ये इशू नहीं कर सकता, ठीक है। द प्राइमरी रैशनेल बिहाइंड द पब्लिक। अब यहाँ पर इसका रैशनेल बताया है, इसका लॉजिक बताया है कि इसका लॉजिक क्या है पेमेंट बैंक को खोलने का। तो आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर सबसे पहले हम कुछ वर्ड मीनिंग्स देखेंगे, उनको डिस्कस करेंगे, कुछ ग्रामेटिकल एस्पेक्ट्स देखेंगे, उनको हम डिस्कस करेंगे। देखिए, व्हाट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन बेसिकली है क्या? फाइनेंशियल इंक्लूजन इज वेयर इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस हैव एक्सेस टू यूजफुल एंड अफोर्डेबल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। इंडिविजुअल्स और बिजनेस को फाइनेंशियल इंक्लूजन में बहुत अच्छी अफोर्डेबल सर्विसेज दी जाएंगी दैट मीट देयर नीड, दैट आर डिलीवर्ड इन ए रिस्पॉन्सिबल एंड सस्टेनेबल वे। तो ये है इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन फाइनेंशियल इंक्लूजन की। फाइनेंशियल इंक्लूजन इज डिफाइंड इज द अवेलेबिलिटी एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू एक्सेस फाइनेंशियल सर्विसेज। तो ये एक बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन हो सकता है यदि फाइनेंशियल इंक्लूजन के ऊपर कोई आर्टिकल लिखने को आता है डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में, तो ये एक बहुत अच्छा आर्टिकल, बहुत अच्छा इंट्रो आपके लिए हो सकता है, ठीक है। आगे कुछ वर्ड मीनिंग्स और हैं। हैसन का अर्थ होता है स्पीड अप। एक वर्ड और होता है इससे मिलता जुलता, फासन, FASTN, जिसका मतलब होता है तेज, टाइट तरीके से किसी चीज को बांधना। और फैनफेयर का अर्थ होता है मीडिया अटेंशन और एलेबोरेट सेरेमनी, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमने वर्ड मीनिंग भी इसमें डिस्कस किए, और इसके ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर क्या क्या है ये थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, फंड्स जो है ये काउंटेबल नाउन है, क्योंकि यहाँ पर हमने फंड्स यूज़ किया है इसलिए हम यहाँ पर बोल रहे हैं दीज। फंड होता तो हम बोलते दिस। तो ये छोटी छोटी गलतियाँ एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। जैसे यहाँ पर कुछ और चीज़ें मैं बताता हूँ, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कंट्रीज एज ओल्ड पोस्टल डिपार्टमेंट, यहाँ पर यदि आप एस नहीं लगाएंगे तो ये गलती हो जाएगी। गवर्नमेंट ओल्ड, यहाँ पर अगर ED हटा देंगे तो ये गलती हो जाएगी। यहाँ पर एस हटा देंगे तो ये गलती हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कुछ आपको ग्रामेटिकल एस्पेक्ट्स हम थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये किस तरीके से है। बिहाइंड द पब्लिक, द प्राइमरी रैशनल बिहाइंड द पब्लिक पेमेंट बैंक आइडिया इज टू हेल्प इन द गवर्नमेंट्स गोल ऑफ अचीविंग फाइनेंशियल इंक्लूजन बाय प्रोवाइडिंग सेविंग्स, रेमिटांसेस एंड पेमेंट सर्विसेज टू द रूरल एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी का जो रूरल सेक्टर है, जो फार ऑफ लोकेशंस हैं, ठीक है, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर हैं, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था, मजदूर लोग जो होते हैं, छोटे मोटे किसान होते हैं, उनको
उनको फाइनेंशियल सर्विसेज में इंक्लूड करना, उनको बैंकिंग फैसिलिटी देना, यही गवर्नमेंट का गोल है। इट इज ऑल्सो होप्ड दैट द पेमेंट बैंक आइडिया विल हेल्प री इनवाइगोरेट, मतलब पेमेंट बैंक का जो आइडिया है वो री इनवाइगोरेट करेगा किसी चीज़ को, स्ट्रेंथन करना, किसी चीज़ को रिवाइव करना, उसको हम बोलते हैं री इनवाइगोरेट। ठीक है, द पोस्टल सिस्टम, पोस्टल सिस्टम में भी एक नई जान आएगी इसकी वजह से, और पोस्टल सिस्टम निश्चित रूप से इससे काफ़ी मजबूत होगा। विच हैज़ ए वाइड नेटवर्क ऑफ ब्रांचेज अक्रॉस इंडिया, ऑल द 1,55,000 पोस्ट ऑफिसेज इन द कंट्री आर एक्सपेक्टेड टू बी लिंक्ड टू द इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक सिस्टम एज अर्ली एज इन दिसंबर दिस ईयर। दिसंबर दिस ईयर में सारे पोस्ट ऑफिसेज को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंकिंग सिस्टम से जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो ये काफ़ी, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट जो है वो रूरल एरियाज़ के लिए, गांव के लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, किसी को पैसा भेजना है, पैसा जमा करना है, पैसे को ट्रांसफ़र करना है, एटीएम कार्ड है, डेबिट कार्ड है, ये सारी फैसिलिटीज़ जो गांव के लोग हैं जो रिमोट एरियाज़ में रहते हैं उनको में ये सारी फैसिलिटीज़ मिलने लगेंगी। द पेमेंट बैंक विल ऑल्सो हैव अ डिजिटल प्लेटफॉर्म दैट इज़ एक्सपेक्टेड टू मेक फाइनेंशियल सर्विसेज मोर एक्सेसिबल इवन फ्रॉम रिमोट लोकेशंस। रिमोट लोकेशंस से भी गांव के लोग जो हैं, विलेज के लोग हैं, वो इन इन फैसिलिटीज़ को अवेल कर पाएंगे। रिमिटेंस क्या होता है? रिमिटेंस का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पैसा भेजना, ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स इज कॉल्ड रिमिटेंस। ठीक है, इसकी स्पेलिंग भी थोड़ा देख लेना, इसकी स्पेलिंग भी इंपॉर्टेंट है। री इनवाइगोरेट का अर्थ होता है रिवाइव करना किसी चीज़ को, स्ट्रेंथन करना। एक्सेसिबल का अर्थ होता है अप्रोचेबल, और इंडिया में इस समय 1,55,000 पोस्ट ऑफिसेज हैं। ठीक है, रिमोट का अर्थ होता है दूर दराज के एरिया, फार ऑफ एरियाज। तो इस तरीके से सारे वर्ड मीनिंग भी मैं इसमें आपको बता रहा हूँ, और ये एडिटोरियल है द हिंदू आर्टिकल का, द हिंदू न्यूज़पेपर का। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या चैलेंजेस हो सकते हैं इस इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को लॉन्च करने में। अ बिग चैलेंज फेसिंग द न्यू पब्लिक पेमेंट बैंक इज वेदर इट कैन मैनेज टू अर्न द प्रॉफिट रिक्वायर्ड टू सर्वाइव एज ए स्टैंड अलोन बिजनेस एंटिटी। ये बिल्कुल सही है कि ये प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे कि नहीं जो पेमेंट बैंक हैं, क्योंकि ये लोन तो देंगे नहीं किसी को, क्योंकि मेन जो सोर्स ऑफ इनकम होता है बैंकिंग का वो लोन के थ्रू आता है, तो लोन ये प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो इनके जो खर्चे होंगे वो कैसे पूरे होंगे, जो 4% ये इंटरेस्ट देंगे सेविंग अकाउंट पर वो किस तरीके से ये कवर करेंगे, तो ये एक बड़ा चैलेंज रहेगा। गिविन द सीवियर रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन हाउ पेमेंट बैंक्स इन जनरल कैन एम्प्लॉय देयर फंड्स, अपने फंड्स को वो किस तरीके से यूज़ करेंगे बेनिफिट के लिए, किस तरीके से उस पर इंटरेस्ट वो कमाएंगे, ये थोड़ा सा एक चैलेंजिंग एस्पेक्ट रहेगा, उसको देखना पड़ेगा। द ऑड्स सीम टू बी स्टैक्ड, ऑड्स का मतलब होता है चांसेस। ठीक है, किसी चीज़ के होने के चांसेस को हम बोलते हैं ऑड्स। द ऑड्स, चूंकि चूंकि इसमें एस लगा है इसलिए सीम में हम एस नहीं लगाएंगे। द ऑड्स सीम टू बी स्टैक्ड, मतलब ऑड्स बहुत सारे हो सकते हैं। स्टैक का अर्थ होता है किसी चीज़ का एक के ऊपर एक, एक जगह पर जमा हो जाना या इकट्ठा हो जाना, उसको हम बोलते हैं स्टैक। द ऑड्स सीम टू बी स्टैक्ड अगेंस्ट द IPPB एट द मोमेंट, मतलब ऑड्स इसके अगेंस्ट हो सकते हैं, ऑड्स इसके अगेंस्ट हो सकते हैं, इसका मतलब ये है कि इसके चांसेस कम है कि पेमेंट बैंक जो है ये प्रॉफिट कमा पाएंगे, क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस जो हैं RBI की वो काफ़ी हैवी हैं। द फर्स्ट वेव ऑफ न्यू पेमेंट बैंक दैट कमेंस्ड बिजनेस लास्ट ईयर, फर्स्ट जो पेमेंट बैंक थी वो थी एयरटेल पेमेंट बैंक। ठीक है, उसके बाद फिर पेटीएम है और फिनो है, फिनो, ये तीन पेमेंट बैंक हैं। हैवंट एग्जैक्टली सेट द मार्केट ऑन फायर, इसका मतलब ये है सेट द मार्केट ऑन फायर, सेट समथिंग ऑन फायर का मतलब होता है किसी चीज़ में आग लगा देना, लेकिन यहाँ पर इसका फिगरेटिव मीनिंग ये निकल रहा है कि किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होना। ठीक है, हैवंट एग्जैक्टली सेट द मार्केट ऑन फायर, द पेमेंट बैंक मॉडल इट शुड बी नोटेड इज स्टिल अनटेस्टेड, निश्चित रूप से ये अनटेस्टेड है, अभी इसको टेस्ट नहीं किया गया है। इवन दो प्रोमिनेंट प्राइवेट कंपनीज सच एज एयरटेल एंड पेटीएम हैव शोन इंटरेस्ट इन द स्पेस, एयरटेल ने और पेटीएम ने इसमें इंटरेस्ट दिखाया है, लेकिन ये प्रॉफिट मार्जिन अपना किस तरीके से मेंटेन करेंगे ये देखना होगा। बैंक्स हैव ट्रेडिशनली स्टेड अवे फ्रॉम द बिजनेस ऑफ प्योर डिपॉजिट्स बैंकिंग अनलेस कस्टमर हैव बीन विलिंग टू पे फॉर दी सर्विसेज। ठीक है, डिपॉजिट सर्विसेज से
जो रेगुलर बैंक्स होती हैं वो थोड़ी सी दूरी बनाई रखी है उन लोगों ने, क्योंकि उसमें उनको प्रॉफिट नहीं मिलता। यदि प्रॉफिट मिलता है तो तभी ये इस तरह की जो रेगुलर बैंक्स हैं वो डिपॉजिट का काम करेंगी। हैव बीन विलिंग टू पे फॉर दीज सर्विसेज फॉर ए गुड रीजन। अब हम यहाँ पर देखते हैं कुछ वर्ड मीनिंग्स। द प्रोबेबिलिटी, ऑट्स का मतलब क्या होता है? द प्रोबेबिलिटी हाउ लाइकली इट इज दैट अ पर्टिकुलर थिंग विल और विल नॉट हैपन। द ऑट्स दैट द यूएस इंट्रेंट विल विन द रेस आर 10-1। मतलब यूएस इंट्रेंट इस रेस को जीतेंगे, इसके ऑट्स या इसके चांसेस जो है वो 10-1 है, 10 में से 1 है। ठीक है, तो ऑट्स का मीनिंग आपको समझ में आया होगा। स्टैक का क्या मतलब होता है? पाइल ऑफ थिंग्स अरेंज्ड वन ऑन टॉप ऑफ अनदर। पाइल ऑफ थिंग्स चीजों का एक ढेर होता है, उसको हम बोलते हैं स्टैक। पाइल ऑफ थिंग्स अरेंज्ड वन ऑन टॉप ऑफ अनदर। ठीक है, सेट समथिंग ऑन फायर क्या मतलब है इसका? टू कॉज समथिंग और समवन टू स्टार्ट बर्निंग। ये फिजिकल सेंस में, ये लिटरल सेंस में इसका मीनिंग बताया है, लेकिन यहां पर पैराग्राफ में इसका मतलब है कि किसी चीज में आग लगा देना, उसको बहुत ज्यादा सक्सेसफुल कर देना, उसको हम बोलते हैं सेट समथिंग ऑन फायर। यहां पर इसका लास्ट पार्ट देखते हैं। IPPB प्रोमिसेस टू पे एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 4% टू इट्स सेविंग अकाउंट कस्टमर्स। जैसे रेगुलर बैंक्स 4% देती हैं, तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक भी 4% देंगी। टू जनरेट रिवेन्यूज इट प्लान्स टू चार्ज फीस ऑन मनी ट्रांसफर एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज। ये 4% इंटरेस्ट कैसे देंगे, ये कहाँ से मैनेज करेंगे, क्योंकि लोन्स तो ये देंगे नहीं, तो उसमें ये मनी ट्रांसफर पर कुछ पैसा कस्टमर से ये ले सकते हैं। इट प्लान्स टू चार्ज फीस ऑन मनी ट्रांसफर एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज वाइल इन्वेस्टिंग आइडल कस्टमर डिपॉजिट्स इन सेफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ये अपने पैसे को किसी दूसरी जगह नहीं लगा सकते। पेमेंट बैंक के जो होल्डर्स हैं, पेमेंट बैंक के जो मालिक हैं, वो कस्टमर का जो डिपॉजिट पड़ा हुआ है उसको केवल और केवल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में लगा सकते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो होती हैं वो सिक्योर्ड होती हैं। ठीक है, शेयर मार्केट में या म्यूचुअल फंड में या लोन्स में इस तरह से वो पैसे को मिसयूज़ नहीं कर सकते। केवल सेफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में ही उस पैसे को लगाया जा सकता है। तो ये भी एक रिस्ट्रिक्शन है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का। इन ऑर्डर टू अर्न इंटरेस्ट, वेदर दिस विल बी सफिशियंट टू कवर इंटरेस्ट एंड ऑपरेशनल कॉस्ट रिमेन्स टू बी सीन। ये देखा जाना भी बाकी है कि अपनी कॉस्ट को ये किस तरीके से कवर करेंगे। वेदर दिस विल बी सफिशियंट टू कवर इंटरेस्ट एंड ऑपरेशनल कॉस्ट। अपनी जो इंटरेस्ट की जो कॉस्ट है और ऑपरेशनल कॉस्ट है, उसको किस तरीके से ये कवर करेंगे, क्या ये सफिशियंट रहेगा कि अपने आप ये छोटी मोटी बैंकिंग सर्विसेज पर चार्जेस लगाएं, तो ये देखा जाना भी बाकी है। ठीक है, दिस रिमेन्स टू बी सी। मीन वाइल द IPPB इज ऑल्सो लाइकली टू फेस स्टिफ कॉम्पिटिशन फ्रॉम प्राइवेट कंपनीज। प्राइवेट कंपनी से स्टिफ कॉम्पिटिशन इनको मिल सकता है, विच आर जनरली मोर निम्बल इन अडेप्टिंग टू बिजनेस रियलिटीज। क्योंकि प्राइवेट कंपनीज जो होती हैं वो ज़्यादा एडवांस तरीके से काम करती हैं, ज़्यादा तेजी से काम करती हैं। निम्बल का अर्थ होता है फुर्तीले तरीके से काम करना। बिजनेस एनवायरनमेंट में अपने आप को वो बहुत जल्दी से ढाल लेती हैं। अडेप्टिंग मतलब वो ढाल लेती हैं, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लेती हैं प्राइवेट कंपनीज जो होती हैं, जबकि गवर्नमेंट कंपनीज ऐसा नहीं कर पाती। तो प्राइवेट कंपनी से इनको एक स्टिफ कंपटीशन मिल सकता है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को। टू द गवर्नमेंट ओन बेहीमोथ। बेहीमोथ मतलब जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। तो यहाँ पर एक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड आया है इसमें। अडेप्टिंग का मतलब ढालना होता है, निम्बल का अर्थ होता है कि तेजी से किसी चीज़ को करना, फुर्तीला होना। बेहीमोथ मतलब जो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनको हम बोलते हैं। एंड विद इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन द IPPB रिवेन्यूज एंड मार्जिन्स आर ऑल्सो लाइकली टू कम अंडर प्रेशर। ठीक है, एंड विद इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन, अगर कॉम्पिटिशन बढ़ता है तो इनका जो रिवेन्यू है और इनके जो मार्जिन्स है वो प्रेशर में आ जाएंगे, क्योंकि यदि कॉम्पिटिशन बढ़ता है तो दूसरी जो बैंक्स हैं, प्राइवेट बैंक्स हैं, वो कम या तो मतलब उस पर ज़्यादा इंटरेस्ट दे सकते हैं वो सेविंग अकाउंट पे, तो इनका जो रिवेन्यू है, जो मार्जिन है, वो प्रेशर में आ सकता है। येट इफ इट सक्सीड्स द न्यू पेमेंट बैंक कुड अशर इन अ न्यू एरा। अशर इन का मतलब है कि किसी चीज को लाना, ब्रिंग अबाउट अ चेंज। इफ इट सक्सीड्स द न्यू पेमेंट बैंक कुड अशर इन अ न्यू एरा। एक न्यू एरा को पेमेंट बैंक्स ला सकती हैं, एक नए युग की शुरुआत हो सकती है पेमेंट बैंक की वजह से। ऑफ रैपिड फाइनेंशियल इंक्लूजन अक्रॉस रूरल इंडिया, पूरे रूरल इंडिया में एक फाइनेंशियल इंक्लूजन की वेव आ सकती है।
और एक नए की शुरुआत हो सकती है इन बैंक्स की वजह से। कुछ वर्ड मीनिंग्स हम और देखते हैं। निम्बल इन, एबल टू थिंक एंड अंडरस्टैंड क्विकली, ठीक है, ये इसका मतलब है, एबल टू थिंक एंड अंडरस्टैंड क्विकली। दूसरा वर्ड हम देखते हैं बेहीमोथ्स, अ ह्यूज और मॉन्स्टरस क्रीचर उसको हम बोलते हैं, या बड़े ऑर्गेनाइजेशंस को हम बेहीमोथ बोलते हैं। अशरिन का मतलब है टू सर्व, टू ब्रिंग इन टू बींग, किसी चीज़ को किसी एरिया में लाना या उसको इंट्रोड्यूस करना। जैसे आप एक सेंटेंस देख सकते हैं, अ डिस्कवरी दैट अशर्ड इन अ पीरियड ऑफ चेंज, एक ऐसी डिस्कवरी जिसने पीरियड ऑफ चेंज को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर आपको बताया है, और इसका एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा, कितना रिलीवेंट रहा ये, ज़्यादा से ज़्यादा आप फीडबैक दें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, और क्या क्या फर्दर इम्प्रूवमेंट इसमें हो सकते हैं ये मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, तभी मैं इसको कंटिन्यू करूँगा और डेली बेसिस पर मैं इस चैनल पर अपलोड करूँगा, इंग्लिश एडवांटेज चैनल पर। इस चैनल को आप ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। और यदि आप हमारा ई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में आप निश्चित सफलता प्राप्त करना चाहते हैं इंग्लिश सेक्शन में और करंट अफेयर सेक्शन में, तो पर्टिकुलरली बैंकिंग एग्जाम के लिए हमारा एक ये ई कोर्स आता है बैंक प्रो के नाम से, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और सारा डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है, ये मेरे कॉल एंड व्हाट्सएप नंबर दिए हैं, और ये हैं हमारे रीसेंट सिलेक्शंस, जिसमें से सारे बैंक्स के सिलेक्शंस हैं ये, लेकिन एक सिलेक्शन गौरव शर्मा, ये छत्तीसगढ़ से हैं और इनका सिलेक्शन हुआ है ASM में, तो ये भी हमारे सब्सक्राइबर हैं और हमारे ई कोर्स के स्टूडेंट हैं। इन सभी स्टूडेंट्स का बैंक क्लर्क और बैंक पीओ एग्ज़ाम में सिलेक्शन हुआ है, तो इन सभी स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ इनके उज्ज्वल भविष्य के लिए। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो क्लास, और यदि अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक देना ना भूलें। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ, अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।